हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है कूर्ग में हमारा लास्ट डे और हम मॉर्निंग में 6 o'clock पे निकल के आ गए हैं एक दरगाह विजिट करने जो कि पास में ही था। तो आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम चेकआउट भी कर रहे हैं, बेंगलोर के लिए हम निकल रहे हैं और उसी के साथ कूर्ग में एक दो जो पास में ही लोकेशन है अच्छे वाले वो हम आज विज़िट करेंगे। कोविड के कारण कुछ कुछ ऐसा अच्छा अच्छा प्लेसेस बंद भी है, अभी तक कुछ डैम वगैरह भी अभी ओपन नहीं हुआ है, तो हम इसीलिए 2 दिन का ही ट्रिप लिए हैं और कूर्ग में भी विज़िट करेंगे और ऑन द वे 2-3 लोकेशन हम देखते हुए जाएंगे। तो हम वे दरगाह से हम निकल के आ गए हैं और कार पे ही हम रेडी हो रहे हैं, बाल बाल बना के थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का मेकअप भी कर रहे हैं और अभी हम आ गए हैं एक वाटरफॉल देखने जिसका नाम है अभी फॉल। और यहाँ का पार्किंग काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे 2 ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह भी है। ये रहा गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ बाहर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें नींबू पानी, नारियल पानी, कॉफ़ी वगैरह है और थोड़ा चल के जाना पड़ता है फॉल तक। तो स्टेयर्स का हालत कुछ इस तरीके का है, इसलिए यहाँ पे आने के लिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग चप्पल या हील्स पहन के ना आए। अगर आप शूज़ पहन के आ रहे हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा यहाँ पे वॉक करना। और हमने यहाँ पे कुछ फोटोज भी क्लिक कर ली और मुझे अच्छा ही लगा। और अच्छा लगता अगर मैं नीचे तक पानी तक जा सकती तो। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं सब कॉफी प्लांटेशन है और कहा जाता है कि अगर कूर्ग आप आ रहे हो तो एक बार कॉफी प्लांटेशन का विजिट जरूर करना चाहिए। और अभी फॉल में कुछ हमारे लिए गए पिक्चर्स अभी हो गई। अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी प्लांटेशन विज़िट के लिए। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, एक गाइड, हम गाइड के साथ जाएंगे, वही हमें एक्सप्लेन करेंगे कॉफ़ी। और एक बात, अभी फॉल के बाहर जो कॉफ़ी का स्टॉल लगे हुए हैं वो काफ़ी चीप प्राइस में बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉफ़ी मिलता है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये टोटल एरिया है 15 acres का, जो लाइक इसमें कॉफी, पेपर, कार्डमम, स्पाइसेस का, फ्रूट्स का, आयुर्वेदिक प्लांट सब कुछ है। मैं 1 by 1 दिखा के एक्सप्लेन करेगा। ये पूरा कॉफी इसमें 3 वैरायटी के पेपर आते हैं, जो आपको ब्लैक पेपर का नहीं पता है, व्हाइट पेपर भी बनता है, जो ग्रीन पेपर भी बनाता है। जो अभी ग्रीन पेपर रेडी है, साल में एक बार आता है, जो ग्रीन पेपर अचार बनाने के लिए यूज करते हैं, लाइक जो ग्रीन को ऐसे क्रश कर और यहाँ पे हम निकल चुके हैं कूर्ग से बेंगलोर के लिए और ऑन द वे आता है ये एक बहुत बड़ा सा पार्क जिसका नाम है कावेरी निसर्गधामा, आई होप मैंने सही से प्रोनाउंस किया। और एक कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे बहुत बिग बिग ट्रीज एंड बेम्बू प्लांटेशन आपको देखने को मिलेंगे। ट्री हाउस भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक सेक्शन सिर्फ बर्ड्स के लिए रखे हुए है, एक में थोड़े से एनिमल्स है, डियर वगैरह देखने को मिलता है। Yes, this is hard.
अब जब एंटर करेंगे तो एक ऐसा एक ब्रिज से ही आपकी एंट्री होगी और यहाँ पे बोटिंग भी होता है, बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होता है। और इसके बाहर एक बहुत बड़ा सा मार्केट है, मतलब ऐसा आप गिफ्ट वगैरह लेने के लिए यहाँ पे रिमेम्बरेंस के लिए कुछ अब यहाँ से ले सकते हैं। तो हम यहाँ से निकल आए हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे बीच में हमने लंच किया और हमने ड्रेस प्रेस भी चेंज कर लिया। अभी आगे वृंदावन गार्डन, जिसको आप मायसोर अगर आ रहे हैं तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर कूट से मायसोर जा रहे हैं जाते आते रोड पे भी ये मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ, 6-7 टाइम्स पहले ही, तो आज फिर से मुझे जाने का मन था, क्योंकि रात को यहाँ पे वो फाउंटेन वाटर फाउंटेन का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। हम यहाँ पे आके थोड़ी देर रुके। और उसके बाद फिर से निकल चुके हैं हम बेंगलोर के लिए। रास्ते में हमने चाय वाय भी पी लिया। ये वीडियो में जैसे तैसे करके शूट कर पाई हूँ और इसको छोटे छोटे पार्ट को मैं मिला के इसको बनाई हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।